पर पे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे आपदा मंत्री जी भी आए। आप समझ जान ही रहे हैं कि उत्तराखंड SDRF का ये 8वां वर्ष रनिंग है और 9 अक्टूबर को हम 8वां स्थापना दिवस मनाएंगे। तब तक हमारे भवन भी लगभग बन करके तैयार हो जाएंगे और इन सालों में SDRF ने बहुत अच्छा नाम कमाया है, कम से कम आपदा के प्रभाव को कम करने में। आपदा तो नेचुरल प्राकृतिक आपदा को हम नहीं रोक सकते, किंतु उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा काम किया है SDRF ने और आने वाले समय में और आगे करेंगे। इस वर्ष हमने हरेला पर्व के अवसर पर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से हरेला तक 1 लाख पौधे प्लांटेशन का प्लान बनाया था। तो थोड़ी सी बारिश लेट हुई तो हमने 90,190 पौधे आज तक लगा दिए हैं पूरे उत्तराखंड पुलिस के समस्त परिसरों में, चाहे वो थाना हो, चाहे चौकी हो, चाहे पुलिस लाइन हो, चाहे बटालियन हो, सब जगह पे। और जो बचे हुए 10,000 हैं वो भी इसी बरसात में हम जरूर से जरूर लगा देंगे। तो ये हमारा काम है। आज SDRF में हमारे जवानों से लेकर के गजेटेड ऑफिसर तक जो भी आउटस्टैंडिंग काम करते हैं उसको हमेशा हम उनका मनोबल बढ़ाते हैं। आज उनको प्रशंसा पत्र दिए हैं, जो और बहुत अच्छा करते हैं उनको मेडल भी दिए जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा, SDRF शुरू से बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम कर रही है और प्रशंसनीय, प्रशंसा के पात्र, देश भर में उसकी प्रशंसा हुई है उत्तराखंड SDRF। और हमारे मॉडल पे दूसरे राज्य भी SDRF खड़ी कर रहे हैं।